subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. And now watching Programmer.com. आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि एक गेम हम लोग चेक करेंगे बनाएंगे जिसका नाम है गेसिंग गेम. ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी को मैं आपको बना के दिखाऊंगा. तो देखिए, जैसा कि इस प्रोग्राम में दिख रहा है कि ये एक रैंडम जो है नंबर्स यहाँ पर स्ट्रिंग जनरेट हो रही है. इसमें हमें गेस क्या करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम सजेस्ट करने हैं. ठीक है, अगर हम गेस करते हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली हमने गेस किया या नहीं किया. ये हमारा गेम है. तो इसमें देखिए जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ये सफल फॉर्म में आ रही है, तो हमें क्या करना है, इसमें गेस करना है. जैसे कि ये देखो NOLEM है, यानी कि ये क्या है, लेमन है. ठीक है, तो मैंने इसको गेस किया. देखिए तो क्या मिल के आ रहा है, कंग्रेचुलेशन यू गेस द वर्ड, यानी ये सही था. दूसरा वर्ड आता है, अब ये आ गया. मान लीजिए मैंने इसको गलत दे दिया, जबकि क्या है, ग्रेप्स है शायद, आई होप. तो मैंने स्पेलिंग क्या लिख दी, ग्रेप लिख दी. ग्रेप लिखने पे क्या होगा, जब सबमिट करेंगे तो ये बताएगा सॉरी रॉन्ग गेस, प्लीज ट्राई अगेन. इट मींस ये गलत बता रहे हैं. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स को सफल कैसे किया गया है, ये वर्ड्स कैसे मैच करके आ रहा है, ये हम लोगों को देखना है. ठीक है, इस प्रोग्राम को समझने से पहले, इस कोड को करने से पहले, प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस हैं जिनको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर पहले समझ लेना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फंक्शन बता दे रहा हूँ कौन कौन से. सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, इसका नाम है स्प्लिट. क्या नाम है, स्प्लिट. एक फंक्शन है जिसका नाम है ज्वाइन. ठीक है, एक फंक्शन है रैंडम. ठीक है, एक फंक्शन है फ्लोर. ठीक है, सारे फंक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ये रहे कि हमको पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं और ये कैसे बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया फ्लोर. के बाद हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ये हो गया हमारे पास मेन नेम. मेन फंक्शन आई थिंक यही है. ठीक है, एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एरे डॉट लेंथ. ठीक है, तो सिंपल से फॉर्म में अगर मैं इसको बताऊं कि ये क्या करते हैं सारे, तो आपको सिंपल से फॉर्म में आपको ये बात समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है स्प्लिट, ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग टू एरे कन्वर्जन. ठीक है, तो ये सिंपल से फॉर्म में अगर कहें तो कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लेना चाहते हैं, उसको चाहते हैं एरे में कन्वर्ट कर दे, तो ये स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करता है स्प्लिट. दूसरा आता है ज्वाइन, जस्ट इसका अपोजिट है. ये क्या करेगा, एरे से एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करता है. ठीक है, यानी एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है. ठीक है, तो ये दो मेथड्स हो गए. ठीक है, दोनों मेथड के बारे में बता दिया. तीसरा मेथड है रैंडम. रैंडम क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना है. ये एक मैथ क्लास का, जावास्क्रिप्ट में एक मैथ क्लास होती है जिसका एक बना बनाया मेथड है, जिसका काम है रैंडम वैल्यू जनरेट करना. रैंडम मतलब ऐसी वैल्यू जिनके बारे में हम पहले से गेस ना कर सकें, बट इसकी जो रेंज आती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देता है. क्वेश्चन ये बना, 0 से 1 के बीच में वैल्यू ही नहीं है तो रिटर्न क्या देगा. तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू जो होंगी वो 0.1, 0.001 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यानी पॉइंट में वैल्यू आपको ये गिवन करेगा. तो 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू होगी, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो इसकी रेंज मैंने क्या बताया, 0 से लेके 1 के बीच में. ठीक है, अगला फंक्शन होता है फ्लोर. फ्लोर एक ऐसा फंक्शन होता है जो मैथ क्लास का फंक्शन होता है, जिसका काम होता है कि अगर मुझे कोई भी नियर बाय वैल्यू, नियर लोअर वैल्यू अगर हमें लेना है तो हम यूज़ करते हैं फ्लोर का. और एक होता है सील. सील का क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होता है अपर वैल्यू के लिए. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक फ्लोर फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ 14.2, इट मीन्स इसकी नियर बाई जो वैल्यू है, लोअर वैल्यू, वो कौन है, 14 है. बट अगर यही फंक्शन मैं यूज़ करता सील, तो सील में हमारे पास 14.2 देता तो इसका रिजल्ट आता, इससे अपर वैल्यू कौन है, 15. यानी जो इससे अब जस्ट नियर बाई अब वैल्यू होगी वो अपर देगा, यानी सील देगा, और जो लोअर वैल्यू होगी वो फ्लोर देगा. ठीक है, जैसा कि फ्लोर और सील, सीलिंग हमारा अप ऊपर होता है, फ्लोर में नीचे, तो इस वजह से हम इसको ये याद कर सकते हैं इस तरीके से. चलिए भाई, अब बात आती है एरे डॉट लेंथ. ये एक ऐसा फंक्शन प्रॉपर्टी है एक्चुअली में, ये फंक्शन नहीं है, जिसका काम है एरे की लेंथ फाइंड आउट करना. अगर कोई एरे है तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करने का काम ये करता है. ठीक है, नेक्स्ट एक फंक्शन और छोटा सा है, उसका क्या काम है, उसका काम है टू लोअर केस. यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है. यानी स्ट्रिंग अगर आपने अपर केस में दिया है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है. याद रखने वाली बात है, कैपिटल स्मॉल ध्यान रखना है, लोअर केस का एल और सी जो है कैपिटल होगा. ठीक है, तो बस ये इतने फंक्शन हैं जिनको हमें इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना है बनाते हैं समय. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा ओवरव्यू आपको दे देता हूं, और अगर आपको ये पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पर जाएंगे और यहाँ पर मैंने एक इमेज रखी हुई है. इस इमेज का मैं वीडियो मतलब अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा. ये वीडियो ये है. ठीक है, तो देखिए मतलब इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा. ठीक है, तो ये आप इमेज अपने पास कहीं से भी आप रख लीजिएगा, कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं. ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट का बॉयलर प्लेट तैयार करेंगे और एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल का नाम होगा जैसा कि नॉर्मली बनाते हैं हम लोग, उसका नाम है index.html। तो सबसे पहले एक फाइल बनाया हमने इंडेक्स फाइल, और वी कैन क्रिएट अ बॉयलर प्लेट, यानी हम लोग क्या करेंगे एक बॉयलर प्लेट तैयार करेंगे HTML का, ठीक है। तो ये मेरा बॉयलर प्लेट तैयार हो गया। अब बात आती है कि इसमें से हम क्या करेंगे, जो जो डेटा हमें हटाना है उसको हटा देंगे और यहाँ पर एक टाइटल दे देते हैं, देंगे गेस गेम, ये हो गया टाइटल। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हम आएंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे एक डिप क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक डिप क्रिएट किया और डिप में मैंने एक आईडी या एक इमेज लगा लेता हूँ। इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल यूज़ किया, यहाँ देते हैं URL और URL के अंदर एड्रेस देते हैं। एड्रेस क्या होगा, image.jpg, ठीक है। ये क्या है भाई, image.jpg के पहले, लेकिन इसका एक एट्रीब्यूट होगा ना, बैकग्राउंड डैश बॉडी बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर लगाएंगे कोलन, और कोलन के बाद क्या लिखते हैं URL, सॉरी बैकग्राउंड इमेज URL, ये हो गया। इससे क्या होगा, एक इमेज हमारी तैयार होगी, बट जब इसको हम ओपन करेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाई देगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम चलते हैं और इसको एक बार लाइव सर्वर पर रन करा के दिखाते हैं आपको। तो जैसे हम लाइव सर्वर पर इसको लोड कराएंगे, ये हमारा लाइव सर्वर रन हो गया और ये हमारी फाइल स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फाइल किया, एक काम करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, image.jpg फाइल का नाम है, ये फाइल है और इसी फाइल को मुझे लगाना है image.jpg, ठीक है। इमेज में मैंने क्या लिखा, URL लिखा, बैकग्राउंड डैश इमेज, तो बैकग्राउंड डैश इमेज काम करते हैं, फिर से इसको हटाते हैं और एक बार फिर से लिखते हैं, चलिए बैकग्राउंड डैश इमेज URL और इसके अंदर हम पास करते हैं इमेज का नाम। तो मैंने इसका नाम दे दिया .slash, हाँ ये रहा, लोकेशन इस तरीके से देना पड़ेगा इसमें VS कोड में, ठीक है। तो ये इसी जगह पर है, तो मैंने इसको क्या यहाँ पर क्या लगा दिया। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी इमेज तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इमेज यहाँ लग गई। इमेज को लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट बढ़ देंगे, ठीक है। तो हाइट दिया और हाइट हमने दे दिया 700 पिक्सल एंड विड्थ दे दिया, यानी डिफ की विड्थ में डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ मैंने कर दिया 8। तो ये हमारा एक इमेज हमारी तैयार हो गई, ठीक है। देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में एक इमेज हमारी लग गई, जो मैंने इमेज आपको दिखाई थी वो इमेज मैंने यहाँ पर डिफ में लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये लग गया इसके बाद इसको डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक सेंटर टैग मैंने लगाया और ये लगाया मैंने H1 टैग, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया और मैसेज था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेस गेम, ठीक है। ये एक मैंने मैसेज यहाँ पर दे दिया H1 टैग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि गेम तो हमारा स्टार्ट हो गया, अब क्या करेंगे, अब हमें उस फोटो को जो हमने अभी आपको दिखाया था आउटपुट, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसको यहाँ तक देखते हैं, इससे क्या होता है, ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कंसोल पे चला जाता हूँ, ये रहा कंसोल और ये मेरा तैयार हो गया, कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपका तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराना है, ठीक है। जो डेटा हम डिस्प्ले कराएंगे, यानी रैंडम जो वर्ड्स आएंगे और जो करेक्टर्स आएंगे उनको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और डिप बना लेता हूँ, ठीक है। जैसा हम लोगों ने देखा भी था, तो मैंने एक डिप लगाया और डिप की एक आईडी दे दी, और आईडी मैंने लिया रैंडम या डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट। तो ये मैंने डिस्प्ले टेक्स्ट को बना लिया, यानी जो रैंडम टेक्स्ट आएंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी इस डिप पे, यहाँ पर एक डिप बना हुआ है जहाँ पर ये दिखाई देगा, कहाँ पे, इस जगह पे। मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, रैंडम टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। अब बात आती है, रैंडम टेक्स्ट तो आ गया, अब मैं क्या करूँगा, एक मैसेज दे देता हूँ सिंपल सा, एक पैराग्राफ लगाता हूँ, लिख देता हूँ पैराग्राफ में, लिख देता हूँ गेस द
यानी ये यूज़र को मैसेज देता हूँ कि जो वर्ड है उसको आप गेस करो, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका वर्ड तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। क्या बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर यूज़र गेस करने पर वो इनपुट देगा। तो मैंने यहाँ लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और उसको एक आईडी दे दिया, और आईडी जो दिया उसमें लिख दिया मैंने गेस इनपुट, ठीक है। गेस इनपुट ये बटन का, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ठीक है। उसके बाद एक बटन हम बना लेंगे, और बटन बनाने के लिए यहाँ पर लगाएंगे बटन ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूँगा अभी, और जहाँ से रैंडम हमारा इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन ये मैं यहाँ लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए क्या होगा इस बॉलर प्लेट से, बॉलर प्लेट से ये होगा कि मैं यहाँ पर जो वर्ड्स आएंगे उसको मैं गेस करूँगा, जब यहाँ पर टाइप करूँगा और मैं यहाँ पर बटन पर सबमिट करूँगा, तो इससे हमें पता करना पड़ेगा कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं, यानी सही है गलत इसके लिए, ठीक है। और अगर मैसेज, अगर कोई एरर आती है, यानी कुछ भी कंग्रेचुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, सक्सेस है कि नहीं है, तो यहाँ के लिए एक मैसेज भी बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन और बना लेंगे, एक पैराग्राफ बनाते हैं और जिसकी आईडी दे देते हैं मैसेज। अभी सारा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसन्न होते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास, एक बॉयलर प्लेट तैयार हो गया जिसमें हमने क्या किया, एक डिप बनाया जिसके थ्रू वो इमेज लग गई, उसके अंदर मैंने एक सेंटर टैग लगाया, फिर एक H1 टैग दिया जिसमें हमने लिखा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेस गेम, यानी एक मैसेज आ गया, टाइटल हमने दे दिया। उसके बाद मैंने कहा कि एक मैसेज दिया जहाँ पर वो वर्ड आएगा, जो वर्ड डिस्प्ले कराएंगे हम लोग, रैंडम वर्ड्स डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले टेक्स्ट, और गेस द सेक्रेट वर्ड, ये मैसेज दिया इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। और टेक्स्ट बॉक्स मैंने देने के बाद उसका नाम रखा गेस इनपुट, एंड एक बटन लगाया सबमिट, यानी कि जो हम गेस करेंगे तो उसको चेक करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो जो फंक्शन हम बनाएंगे उसके थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और अगर वो सक्सेस है कि नहीं है, यानी कि आपने सही से गेस किया कि नहीं किया, इसके लिए मैसेज यहाँ पर आएगा, यानी स्टेटस मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस पैराग्राफ में, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है, ये तो तैयार हो गया, बट बिना डिज़ाइन के ये वेबसाइट उतनी अच्छी लगेगी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं समझ में आएगा, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल और बना लेता हूँ, उस फाइल का नाम रख देता हूँ style.css के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा हम लोग डिज़ाइन पे फोकस नहीं करेंगे, बस हम सीधे क्या करेंगे, इनपुट बटन को क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी पैडिंग दी, और पैडिंग में मैंने क्या दे दिया, 10 pixels, ठीक है, 10px, यानी टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा बन रहा है उसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसका बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर रेडियस जो है मैंने दे दिया 15px, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारा राउंड कर देगा बटन को, ठीक है। तो अभी ये जो है टेक्स्ट बॉक्स तो वैसे ही सिंपल सा दिख रहा है, बट मैं क्या करूँगा, इसको पहले एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो ये CSS फाइल है, इसको हम क्या करेंगे, HTML में कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो मैंने बताया था HTML के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे लिंक, क्या लगाएंगे, लिंक टैग, और यहाँ लिखेंगे rel, rel के अंदर लिखेंगे स्टाइल sheet, एंड यहाँ लिखेंगे href, और css, और यहाँ पे लिख देंगे .slash, ये .slash style.css तैयार हो गया, ठीक है। इतना करते ही देख पा रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर चेंज हो गया। अब ऐसे क्या करेंगे, बटन को सिंपल हम लोग डिज़ाइन करेंगे, कुछ खास नहीं, आते हैं बटन को, अब बटन को भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। बटन को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे बटन, सीधे बटन टाइप को हम यूज़ करते हैं, और मैंने यहाँ लिख दिया उसकी पैडिंग, दिया पैडिंग दे दिया लेफ्ट और राइट के लिए 10 pixels, के बाद इसका जो है बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया, और बैकग्राउंड कलर में मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर से ही आ जाए, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी क्या, आई थिंक हाँ, अगर मैं यहाँ पे जाके कलर का नाम ले लेता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कौन सा कलर हो जाए, डार्क ग्रीन, चलो ये रहा डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन करने से क्या हुआ, ये देखिए हमारा एक बटन तैयार हुआ, बट इसका टेक्स्ट बॉक्स जो है, जो डेटा है वो तो क्लियर हो नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा कलर, और कलर लिख दूंगा वाइट, ठीक है। वाइट करते ही ये देखिए हमारा डेटा क्लियर दिखने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ मैं इसका भी बॉर्डर, यानी मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल से करूँगा बॉर्डर रेडियस 15 pixels, इसको भी कर देता हूँ 15 pixels, देखिए इससे क्या होगा, हमारा ये भी राउंड हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा।
अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो इसका कर्सर चेंज हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ये कर्सर चेंज नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे आऊँगा कर्सर, कर्सर पे गए और यहाँ पे हमने कर्सर में लिख दिया पॉइंटर। ठीक है, एक पॉइंटर होता है जो हैंड का साइन देगा। ठीक है, तो चलिए ये मैंने यहाँ तक तैयार, ये देखिए, तो माउस ले जाने पर ये हो गया, इतना मैंने तैयार कर लिया। अब बात आती है कि ठीक है, जो डिस्प्ले होगा टेक्स्ट, उसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन तैयार हो गया। अब इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन लॉजिक वाला पार्ट है वो किस में है, जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट्स को हमको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत केयरफुल, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो स्क्रिप्ट वाली फाइल है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे script.js। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से वर्ड्स को हम लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मैंने const words। ठीक है, और वर्ड्स में हम लोग पहले से ही क्या करेंगे, वर्ड्स डिसाइड कर देंगे कौन कौन से वर्ड्स को हम चाहते हैं यूजर के सामने लाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम यहाँ डाल देंगे। जैसे कि मैंने डाल दिया ग्रेप्स, ठीक है, कॉमा पाइनएप्पल। ठीक है, ये मैं कुछ वर्ड्स डाल रहा हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे पता चल जाए, कैबेज, वेजिटेबल्स डाल देते हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दे, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, ऐसे ही जितने भी वर्ड्स आपको डालने हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, कैप्सिकम डाल दिया, कैप्सिकम। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ वर्ड्स हो गए जिनमें से मैं रैंडम वर्ड्स निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वर्ड्स तो आ गए, अब बात आ रही है कि जो मुझे डिस्प्ले कराना है उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा जो है, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करेगा। ठीक है, और इस रैंडम टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, इस जगह पर डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे ऊपर, जिससे यूजर क्या करेगा, गेस करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें रैंडम वर्ड्स निकालने हैं। अब रैंडम वर्ड्स निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड निकले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रैंडम के साथ साथ फिर इनके वर्ड्स के करेक्टर्स को भी क्या करना है, मुझे सफल करना है। जैसे मैंने ग्रेप्स निकला, तो ग्रेप्स के वर्ड्स को इधर उधर तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, तभी तो हम गेस करने में उसको कॉम्प्लेक्सिटी दे पाएंगे यूजर को। तो ये क्या करना है, पहला काम हम क्या करते हैं, पहले वर्ड इसमें से निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रैंडम वर्ड निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा टारगेट, एक वर्ड बनाया टारगेट टेक्स्ट। टारगेट टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, किस टेक्स्ट को हम रैंडमली यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले तो यहाँ निकाल लेता हूँ टारगेट टेक्स्ट। और क्या करेंगे, रैंडम निकालना है, तो रैंडम निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है कौन सा, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, और कहाँ से निकाल रहे हैं, तो मैं निकाल रहा हूँ वर्ड्स से। वर्ड से क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ मैथ डॉट रैंडम। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है, ये क्या करता है, हमेशा रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, वो भी किस फॉर्म में, हमेशा जीरो से लेके वन के बीच में, यानी इसका मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसको अगर चलाते हैं तो होगा क्या, अब रैंडमली कुछ भी निकल सकता है जीरो से लेकर वन के बीच में। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो मुझे इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स कैसा चाहिए, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, इस मीन्स इसकी लेंथ के अंदर रखना है। तो जब भी आपको रैंडम वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को रन करा देगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक करता हूँ, और एक काम करता हूँ, अगर मैं math.random को अगर चलाता हूँ तो क्या होगा, ये दिखाता हूँ आपको। और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के लिए क्या करेंगे, इसी के अंदर मैंने यहाँ लगाया स्क्रिप्ट RC और नाम है .script.js, और ये मैंने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, देखिए जरा यहाँ पर क्या हुआ, एक रैंडम क्या जनरेट हुआ, एक नंबर जनरेट हुआ, लेकिन जो 0.something वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जरा, एक बार दूसरा वैल्यू निकलेगा, यानी हर बार क्या हो रहा है, रैंडम वैल्यू निकल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि 0.something निकल रहा है, मुझे जीरो मतलब कुछ ना कुछ फिक्स रियल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, पॉइंट वैल्यू से काम चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स क्या होगा, जीरो से लेके उस लेंथ के बराबर होगा। तो जब भी आपको रेंज तक बताना हो ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको रेंज में निकालना है, मैं चाहता हूँ कि जो रेंज निकले, यानी जो इंडेक्स निकले, वो इसी वर्ड के अंदर निकले, तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स
डॉट लेंथ पास करना पड़ेगा। वर्ड डॉट लेंथ का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड्स नाम का एरे है इसकी जो भी लेंथ हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कि ये जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो इसी के अंदर जितने भी इंडेक्स हैं उसकी लेंथ के अंदर अंदर निकालेगा। यानी पाँच अगर इंडेक्स है, यानी अगर एलिमेंट्स कितने हैं पाँच हैं, तो सिर्फ जीरो से लेके पाँच के अंदर ही एलिमेंट्स रिटर्न करना चाहिए, यानी नंबर जनरेट करना चाहिए। तो चलिए भाई एक बार रिजल्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो वैल्यू आ रही है 2 point something आ रही है। अगली बार दोबारा रन कराया, इस बार देखिए क्या आ रहा है, 5 point something आ रहा है। अब मुझे 5 point something नहीं चाहिए, मुझे क्या निकालना है, केवल ये होल नंबर निकालना है। तो अगर मैं इस होल नंबर के लिए मैं क्या कर लूँ, होल नंबर मुझे चाहिए, होल नंबर निकालने के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि math.floor ये फंक्शन है जिसका यूज़ हम करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि ये देखिए जीरो मिल गया, अगली बार देखिए होल नंबर हर बार मिलेगा टू, अगली बार टू, फिर अगली बार फाइव, अगली बार वन। इट मीन्स क्या हुआ, हर बार रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, मैथ डॉट रैंडम क्या कर रहा है, रैंडम जनरेट करता है जीरो से लेके वन के बीच में। अगर मुझे उसके बिटवीन द वैल्यू चाहिए जीरो से लेके उसकी लेंथ के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब वर्ड की लेंथ क्या है, जरा वर्ड्स डॉट लेंथ, वर्ड मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो 6 है, तो क्या करेगा, जो भी नंबर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, और हमें जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट आएगा उसको फ्लोर वैल्यू, यानी उसकी नियर बाई जो अपर लोअर वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो अब एक काम करते हैं, अगर ये मेरा इंडेक्स बन जाए तो इस इंडेक्स का यूज़ हम करके नंबर भी निकाल सकते हैं, यानी कौन सा वर्ड हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मुझे इंडेक्स निकालना है इस एरे के अंदर, मैं यहाँ पास कर दूँगा। अब होगा क्या, जो भी रैंडम जनरेट होगा डेटा, जो भी रैंडम जनरेट होगा डेटा, हमें काम करता हूँ हटा देता हूँ उसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने फंक्शन में कुछ काम नहीं किया है, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। ध्यान से देखिए होगा क्या, ये वर्ड्स नाम का फंक्शन चले एरे है, इसके अंदर वो क्या करेगा, रैंडम एक इंडेक्स जनरेट करेगा, जो भी इंडेक्स आएगा इनमें से कोई भी इंडेक्स आ सकता है उस पे जो वर्ड होगा वो उठा के किसमें दे देगा, टारगेट टेक्स्ट में। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, टारगेट टेक्स्ट को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए भाई ये देखिए क्या निकल के आ गया, ग्रेप्स, फिर से रन कराते हैं। इस बार देखो क्या मिला, ब्लूबेरी, इस बार क्या मिला, पाइनएप्पल। अब ध्यान से देखिए जो एरे हमने बनाया है, ग्रेप्स यहाँ पे है, ब्लूबेरी यहाँ मिला था, फिर पाइनएप्पल, रैंडमली कोई वैल्यू आ रही है, फिर से हम रन कराते हैं। इस बार देखिए जरा ये देखिए ब्लूबेरी। इट मीन्स क्या है, हर बार जो नंबर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इसे हमें वर्ड मिल रहा है। अब इस वर्ड को हमें क्या करना है, सफल करना है। बट अभी के लिए इतना समझना है कि जो मैंने इस लाइन से लिखा, ये जो लाइन लिखा है, इससे हो कह रहा है, मैट डॉट फ्लोर, मैट डॉट रैंडम, रैंडम क्या करेगा, रैंडम वैल्यू निकालेगा, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी अपर नियर बाई वैल्यू, लोअर जो वैल्यू होगी वो निकाल के वर्ड से इंडेक्स के थ्रू हम कहाँ निकाल देंगे, टारगेट टेक्स्ट में। अब मैं इस टारगेट टेक्स्ट को पास करूंगा यहाँ पे, कैसे, मैंने इसको टारगेट टेक्स्ट के अंदर पास कर दिया, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा कहाँ पे, तो लिखूँगा डिस्प्ले रैंडम टेक्स्ट, और इसमें इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। जब कॉल किया यानी ये जो वर्ड मिला था उसी वर्ड को मैंने यहाँ पास किया इस फंक्शन में, और इस फंक्शन ने यहाँ पे भेज दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वर्ड के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं किस पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पे, इस वर्ड पे, यानी यहीं पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसको प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और आने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी, और मैं क्या करूँगा डॉट इनर एचटीएमएल में इस रैंडम टेक्स्ट को क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। लेकिन रैंडम टेक्स्ट कहाँ पे प्रिंट कराना है, तो ये प्रिंट कराना है एचटीएमएल के इस डिस्प्ले टेक्स्ट नाम के डिब पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा पास करूँगा इसके अंदर और ये प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं कि होता क्या है, होता ये है, ध्यान से देखिए, वाटरमेलन यहाँ भी आया, यहाँ भी आ गया, फिर से दोबारा रन कराते हैं, कैप्सिकम यहाँ आया, यहाँ भी कैप्सिकम आ गया, यानी मेरा वर्ड आने लगा, कैप्सिकम यहाँ भी आ रहा है, फिर से यहाँ भी आ गया, पेज फिर से रिफ्रेश करते हैं, वाटरमेलन आ गया, फिर से रिफ्रेश करते हैं, ग्रेप्स आ गया। इसी तरीके से हर बार अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब रैंडम हमें पता नहीं होगा कौन सा वर्ड आने वाला है, ठीक है, वाटरमेलन आ गया, तो देख पा रहे हैं हर बार वर्ड्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है, वर्ड लिखने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसको हम डिस्प्ले कराएंगे तो यूज़र आराम से गेस कर लेगा यूज़र, बट अब करना क्या है, करना ये है कि इसको मुझे कुछ तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा इन वर्ड्स को, और दूसरी बात इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, CSS के द्वारा थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, बस क्या चेंज करूँगा, उसकी आईडी क्या है, डिस्प्ले टेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और कैसे, उसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर,
और यहाँ पे ले लेता हूँ LIS ब्लू, ठीक है, ये पहला नंबर, ठीक है स्टूडेंट, ये कलर दे दिया। ध्यान से देखो इससे क्या हुआ, एक वर्ड यहाँ पर बन गया, देखो ये बैकग्राउंड मिल गया, और बैकग्राउंड मिलने के साथ साथ मैंने कहा इसमें जो डेटा आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, बैकग्राउंड सॉरी कलर का नाम, यानी मैं चाहता हूँ जो डेटा प्रिंट हो वो कैसा प्रिंट हो, कलर, कलर का जो नाम मैं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर से आए, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए ये ब्लू कलर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ इसका, तो मैंने क्या किया फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज मैंने कह रहा 3 em पैसेस, तो ठीक है। ये देखिए आपका वाटर मेलन जो लिखा था यहाँ पर दिखने लगा, इसका मतलब यूज़र को यही देखना है, लेकिन इसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, स्क्रम्बल करना पड़ेगा। अब स्क्रम्बल करेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए इस बार ब्लूबेरी आ गया, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, कंसोल से प्रिंट हो रहा है और ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, इसको मुझे तोड़ना मरोड़ना कैसे करेंगे अभी बाद में देखेंगे। अब बात आती है इसका फॉन्ट साइज़ भी हम चेंज, फॉन्ट फैमिली भी स्टार्ट चेंज कर सकते हैं, और ये रही फॉन्ट फैमिली, या ऐसा करते हैं कर्सिव कर देते हैं, ठीक है, ये रहा कर्सिव, कर्सिव करते ही ये इस डिज़ाइन यहाँ पे आ गई। अब हमारा काम हो गया, अब हमें डिज़ाइन पे कोई काम नहीं करना है, इसको बंद करते हैं, हमारा डिस्प्ले होने लगा। अब मेन बात आती है कि ये फंक्शन यहाँ तक तो भेज रहा है, ठीक है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है वर्ड तो आ गए, अब इसको स्क्रैम्बल कैसे करें, स्क्रैम्बल मतलब कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि आसानी से ये समझ में ना आए, जिससे यूज़र को गेस करने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ड आया है सबसे पहले इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा एक वर्ड लिखूँगा यहाँ से, और इस वर्ड को यानी जो स्ट्रिंग आई है इसको मैं पहले तोड़ूंगा एरे में, और एरे में तोड़ने के लिए अभी मैंने बताया था एक फंक्शन, स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा, स्प्लिट, और एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन, यानी पहले मैं इसको तोड़ूंगा और फिर बाद में इसको जोड़ दूंगा, ठीक है स्ट्रिंग को, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने पर यहाँ पर मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस सीधा बोला कि स्प्लिट कर दो, लेकिन कुछ वर्ड नहीं बताया कहाँ से स्प्लिट करना है, तो अब ये क्या करेगा टारगेट टेक्स्ट को मैंने प्रिंट कराया, अब देखिएगा जरा होगा क्या होगा, ये ध्यान से देखिए क्या हुआ, वर्ड था कैप्सिकम, यहाँ पर तो कैप्सिकम सीधे प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कॉमा से सेपरेट हो गया, यानी एरे के फॉर्म में प्रिंट हो गया, CAPSICUM कैप्सिकम, ठीक है वर्ड आ गया। तो अब करना क्या है, करना ये है कि वर्ड तो स्प्लिट हो गया, अब मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा स्क्रैम्बल करना है, यानी थोड़ा सा कन्फ्यूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे लूप लगा दूँ, फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन कहाँ तक, टारगेट टेक्स्ट डॉट लेंथ तक चलाना है, और आई प्लस प्लस, और मैंने कहा कि जो भी वर्ड आ रहा है उसको पहले मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, ठीक है, तो रिवर्स करके भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, बट रिवर्स करने से कोई फायदा नहीं है, रिवर्स करने से क्या होगा गेस करना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस वर्ड को देखिए जरा, इस वर्ड को अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, या इसको हम ब्रेक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो काम करते हैं अब यहाँ से हम स्क्रैम्बल करेंगे, स्क्रैम्बल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले लेंथ निकाल देता हूँ, तो मैंने निकाला लेंथ, कैसे निकाला, निकाला टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ कैसे निकलेगा, जो भी इसका स्ट्रिंग का लेंथ होगा डॉट लेंथ, और मैं क्या करता हूँ यहीं से माइनस वन, क्योंकि लेंथ निकालना है तो उसकी इंडेक्स चलानी है ना, तो मैं क्या करूँगा कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने हटा दिया, अब जो टेक्स्ट की लेंथ है वहाँ तक लूप चलेगा, ठीक है बराबर तक, ठीक है भाई, तो मेरा लूप हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको किसी भी तरीके से वर्ड को स्क्रैम्बल करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल, हम निकालें क्या टारगेट टेक्स्ट ऑफ आई, इट मींस क्या होगा, ये करेक्टर बाई करेक्टर निकाल देगा। चलो भाई यहां देखिए ये क्या कर रहा है, कैबेज मैंने दिया था, कैबेज को उसने क्या किया, CABAGE कैबेज को ऐसे निकाल दिया, बट कैबेज को ऐसे निकालने कोई मतलब नहीं है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ड्स तो हमारे मिल गए, अब इनको कुछ इस तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो होगा कि जो वर्ड आ रहा है उसको मैं निकाल लेता हूँ एक वेरिएबल में, उसका नाम रख देता हूँ टेम्प, क्या नाम है टेम्प, टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर इसको मैंने डाल दिया, यानी जो पहला वर्ड आया है इसको टेम्प में डाल दो, और इस टेम्प को अगर प्रिंट कराऊंगा तो आप समझ पा रहे होंगे क्या करेगा ये
करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट कर देगा। ये ग्रेप्स था, ग्रेप्स के एक एक करेक्टर को प्रिंट कर दिया उसने। बट वर्ड क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना है, और चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल और बनाता हूँ जिसका नाम है जे या रैंडम नंबर। रैंडम नंबर इसका नाम रखता हूँ रैंड नंबर। रैंड नंबर यानी एक इंडेक्स जनरेट करता हूँ रैंडमली, और इसको निकालने के लिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, और मैथ डॉट रैंडम नंबर। लेकिन ये जो रैंडम नंबर निकलना चाहिए, ये रैंडम नंबर जो इंडेक्स निकलना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की लेंथ के बराबर होना चाहिए। और अभी मैंने बताया था जैसे वर्ड की लेंथ निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, वर्ड्स डॉट लेंथ लिखा था, तो जो नंबर रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था इसी वर्ड के अंदर की, इस वर्ड की जितनी लेंथ है उसी के अंदर अंदर वर्ड निकल रहे थे यानी इंडेक्स निकालने के लिए। उसी तरीके से जो मैथ ये जो टेक्स्ट है टारगेट टेक्स्ट इसके ही अंदर होना चाहिए। मतलब क्या है, वर्ड आया मान लो ऑरेंज, ठीक है, ये फ्रूट आया, ऑरेंज की जो रैंडम वैल्यू होनी चाहिए, इट मीन्स ऑरेंज का जो ओ है वो जीरो पे है, आर वन पे है, ए टू पर है, एन थ्री पर है, इंडेक्स नंबर है। तो मुझे जो रैंडम इंडेक्स नंबर निकालने हैं वो इस लेंथ के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिख दूँ मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई कर दूँ इसके वर्ड यानी जो ये वर्ड है इसका जो डेटा हो किसमें है, ये टी एक्स टी मान लो है, तो मैं बस लिख दूंगा टी एक्स टी डॉट लेंथ। तो क्या होगा, जो भी वर्ड आया है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई होने पर यानी जो रैंडम नंबर निकलेगा उसके इंडेक्स उसी के अंदर होना चाहिए। मतलब ये हुआ, ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि अगर हम रैंडम जनरेट करेंगे तो रैंडम तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो मैंने फिक्स कर दिया कि जो रैंडम नंबर होना चाहिए जो भी टेक्स्ट निकला है उसकी लेंथ के अंदर होना चाहिए जिससे मुझे इंडेक्स मिल सके, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब जो लेंथ होना चाहिए 5। अब अगर मान लो यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड आ गया, मान लो जैसे वाटरमेलन आ गया, अगर वाटरमेलन आ गया तो इसका वर्ड कितने हैं, 5, 5, 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई हो गया आएगा। इसका मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में रैंडम नंबर नहीं है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, चलिए। तो अब मैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा क्या हुआ, टेक्स्ट लेंथ निकाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर भी वही कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया किससे, वही टारगेट टेक्स्ट, या एक काम करते हैं इसकी वैल्यू तो हमारे पास किसके पास है, टेक्स्ट लेंथ के पास है, टेक्स्ट लेंथ के पास है, तो ठीक है, तो ये रैंडम नंबर आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जो रैंडम नंबर आया है अगर मैं उस वर्ड को निकालता हूँ तो कैसे पता चलेगा, देखो, तो मैंने क्या कर दिया, टारगेट टेक्स्ट ऑफ क्या, रैंडम नंबर। अब देखिएगा होगा क्या होगा, ये जरा देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए अब हुआ क्या, हर बार ये देखिए कैबेज जो वर्ड था उसके जो वर्ड्स हैं ये देखो सफल हो गए अपने आप, ठीक है, ये देखिए अलग अलग हो गए। फिर से रन कराते हैं, इस बार फिर से अभी देखेंगे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के देखो पी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे, आई एन, यानी वर्ड जो है सफल हो गए। अब मुझे करना क्या है, करना ये है कि मुझे यानी कि मुझे चेंज करना है, बस स्वैप कर देना है। तो मुझे इस रैंडम वैल्यू को यानी जो रैंड नंबर आया है मैंने फ्लोर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ये वैल्यू आ रही है अब मैं इसको क्या करूँगा, जो टेम्प वैल्यू है यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको रैंडम वैल्यू से क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। यानी रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, स्वैप करूँगा, ठीक है। तो स्वैप करने के लिए क्या लॉजिक है, स्वैप करने की लॉजिक ये है कि अगर मैं लिखता हूँ टारगेट टेक्स्ट ऑफ आई यानी जो इंडेक्स है स्टार्टिंग वैल्यू उस पे क्या डाल दो, टारगेट टेक्स्ट ऑफ रैंडम नंबर यानी जो भी रैंड इंडेक्स मिला है, सॉरी इसको रैंड इंडेक्स नंबर की बजाय रैंड इंडेक्स बोल देता हूँ, रैंडम इंडेक्स, ठीक है, जो रैंडम इंडेक्स मिला है उसके करेक्टर को निकाल के आई पर डाल दो। आई मतलब क्या हुआ, जीरो, यानी स्टार्टिंग जो पहला करेक्टर है उस पे जो रैंडम करेक्टर निकला है, रैंडम इंडेक्स का जो करेक्टर निकला है उसको पास कर दो, ठीक है। अब होगा कैसे, देखिएगा होगा ये, दिखाता हूँ अभी, अभी समझाता हूँ इसको, होगा क्या होगा ये कि रैंडम जो वैल्यू थी उसका इंडेक्स यहाँ आ गया, और मैं चाहता हूँ जो इंडेक्स ये वाली वैल्यू है, स्वैपिंग हम लोग कैसे करते हैं, थ्री डिजिट्स का, थ्री नंबर का ऐसे डिजिट करते हैं, टेम्प वाले डेटा को इसमें डाल दो, डेटा हमारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब हुआ क्या देखते हैं, अभी होगा ये कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको कट करता हूँ और यहाँ आकर के प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट कराया, टारगेट टेक्स्ट को, तो देखिए जरा टारगेट टेक्स्ट में क्या है, ठीक है, चलो भाई।
तो देख पा रहे होंगे टारगेट में ही दिखी, वर्ड था वाटरमेलन, वाटरमेलन देखो इस तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका पूरा वाटरमेलन 10 करेक्टर का है, तो 10 करेक्टर यहाँ दिखा रहा है और डेटा हमारा देखो सफल हो गया। वाटर का डब्ल्यू ये है, ठीक है, ये है टी ई आर एम ई एल ओ एन, ठीक है, वाटरमेलन। तो वर्ड्स हमारे सफल हो गए, हम यही चाहते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो हम यूज़र को दिखाएंगे नहीं कॉमा सेपरेटेड करके, ये तो करेक्टर दिख रहा है, मुझे वर्ड्स को सफल करना है। तो सफल करने के लिए मैंने फिर से वही बोला कि हमारा काम हो चुका है, बस करना क्या है कि ये मैंने अभी बताया था ये स्प्लिट हुआ था टेक्स्ट, अब मुझे इसको क्या करना है फिर से ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ज्वाइन करने के लिए देखिए जरा ज्वाइन कैसे करेंगे भाई, ज्वाइन करने के लिए इसी वर्ड को कॉपी किया और यहाँ पे हमने डाला और जो टारगेट आया था उसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन करता क्या है, ज्वाइन क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन करता है ये, देखिए अब आपका काम हो गया। वाटरमेलन हमने लिखा था, वाटरमेलन देखिए ब्रेक होके कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर से रन कराते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए पाइनएप्पल आ गया। अब पाइनएप्पल देखिए ब्रेक होकर के इस तरीके से, यानी आसानी से यूज़र को समझ में नहीं आएगा। अब यूज़र क्या करना है, गेस करना है, बट प्रॉब्लम यह है कि गेस करना है तो गेस करने के बाद ये चेक भी करना है कि सही है गलत। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तक आधा काम हमारा हो चुका है। चलिए भाई अब अभी जो हम लोगों ने कंसोल पे यहाँ प्रिंट कराया इसको मैं हटा देता हूँ फिर से, जिससे हमें समझ में आसानी समझ में ना आए। तो हमारा काम हो चुका है, यानी जो सफल करने काम था, रैंडम टेक्स्ट करने काम था, वो मेरा काम हो चुका है। अभी आपको मैंने फिर समझाया था स्प्लिट स्ट्रिंग से एरे और एरे से स्ट्रिंग, कौन ज्वाइन फंक्शन और रैंडम वगैरह के बारे में आपको बताया था, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कंपेयर करने की, लेंथ भी आपको समझा दिया, यूज भी हो गया। अब आइए जरा कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, यानी जो यूज़र ने इनपुट दिया उसको हम कंपेयर कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है चेक गेस। अब ये क्या करेगा भाई, ये करेगा जो डेटा तुमने दिया है उसको ये गेस करके बताएगा कि सही है कि गलत, ठीक है। कहाँ पर दिया था डेटा, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ जैसे ये कैबेज है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये चेक करके बताए कि ये डेटा सही है गलत और यहाँ पर मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमें चेक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आइए जरा यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डेटा यूज़र ने दिया है उसको एक वेरिएबल में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया कॉन्स्ट डेटा, जो कौन सा डेटा था, गेस नाम का एक वेरिएबल बनाया और कहाँ पे डेटा रखा है, वो रखा था इस टेक्स्ट बॉक्स में, उसने यूज़र दिया था। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, गेस इनपुट। तो मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू वैल्यू निकालूंगा, डॉट वैल्यू, वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारा काम हो चुका है, मेन काम था सफल करना, लेकिन अब हमें क्या करना है, बस चेक करना है। चेक क्या करना है, जो गेस वर्ड हमें मिला है क्या वो बराबर है टारगेट टेक्स्ट के, इसके टारगेट टेक्स्ट के। अगर टारगेट टेक्स्ट के बराबर है इसका मतलब क्लियर है, यानी सही है। तो एक मैसेज से मैं प्रिंट करा देता हूँ या कंसोल से प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यानी सक्सेस अदरवाइज इल्स, कंसोल डॉट लॉग फेल, ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए, फिर इसको मैं अभी सही करता हूँ। चलिए भाई अब इस बटन को हमें कॉल करना पड़ेगा, यानी बटन पे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन को, चेक गेस को, कहाँ पे, एचटीएमएल के इस बटन पे जो मैंने ये छोड़ रखा था, ठीक है। चलो भाई ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया, अब क्या करना है, रन कराते हैं, ये जो फिर से रिफ्रेश हुआ और मान लो यहाँ पे मैंने डेटा गलत दे दिया, चेक करते हैं, ये देखिए क्या आया, फेल आया। अब अगर मैं इसको सही गेस कर लेता हूँ, ये एक्चुअली में जहाँ तक है ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल है, गेस किया, ये देखिए क्या बताया, सक्सेस, इसका मतलब मैंने सही सक्सेस गेस किया। और अगर मैं गलत दे दूंगा तो ये क्या बताएगा, रॉन्ग बताएगा, फेल बताएगा, ठीक है। तो हमारा काम हो रहा है, अब मुझे करना क्या है, इसको यहीं पर डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए हमने आपको एचटीएमएल बनाया हुआ है, कौन सा, मैसेज, यानी मुझे मैसेज पे प्रिंट कराना है। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए क्या करूँगा, मैं सीधे लिखूंगा, यानी मैं इस बात को हटा देता हूँ यहाँ से, कंसोल की जरूरत नहीं है, सीधे मैं प्रिंट कराता हूँ। मैं लिखूंगा मैसेज डॉट इनर, सॉरी डॉट इनर एस्टिमेट, और एक काम करता हूँ, ये जो था मैसेज था, मैसेज वर्ड है, आईडी है, तो मैंने लिखा मैसेज डॉट इनर एस्टिमेट और यहाँ पर दे दिया वर्ड कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन यू गेस
वर्ड, ठीक है, एक मैसेज दे दिया यूजर को, और अगर नहीं कर पाता है तो जो मैंने यहाँ फेल दिया था यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, सॉरी रॉन्ग, यस प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, ये मैसेज दे दिया मैंने, ठीक है। चलिए भाई इतना हो गया, देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, फिर से देखते हैं। पेज रिफ्रेश किया, ये मैंने गलत दे दिया आउटपुट, देखिए जरा क्या हुआ, सॉरी रॉन्ग गेस, प्लीज ट्राई अगेन, आ रहा है, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर से देखिए, अगर ये था वर्ड था गलत हुआ, ये है एक्चुअली में वाटरमेलन शायद, तो मैं क्या करता हूँ वाटर मेलन, ये मैंने टाइप किया, एंटर किया, ठीक है, कंग्रेचुलेशन यू गेस द वर्ड। अब इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सी एस एस लगा देता हूँ इसी में, इसी जगह पर, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है खास, बस यहीं पर जाएंगे, इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर कर देंगे, मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, तो है मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सक्सेसफुल रहे तो ग्रीन कलर दे देता हूँ, और अगर अनसक्सेस हो तो, यानी अगर गलत हो तो, तो ये देखिए जरा मेरा टेक्स्ट तैयार हो गया है, आई होप, ये रहा, और ये था एक्चुअली में कैप्सिकम है शायद, सिकम, ठीक है, देखते हैं कैप्सिकम, ठीक है, यू गेस द वर्ड, ठीक है, ये कंग्रेचुलेसन यू गेस द वर्ड, आगे मैसेज, और अगर मैं गलत दे देता हूँ, मान लो पेज रिफ्रेश किया इस बार, और इस बार ये कुछ और वर्ड आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे गलत दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने वर्ड गलत दे दिया, तो ये क्या बताएगा, सॉरी रॉन्ग गेस, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बट इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है कि सपोज करो यूज़र ने ये एक्चुअली में, फिर से वर्ड को चेक करते हैं, ये है क्या हो सकता है, ये वर्ड गेस करते हैं, ये वाटर मेलन ही लग रहा है शायद, तो वाटर, अब यहाँ वाटर मेलन को अगर किसी ने गेस किया एकदम सक्सेसफुल है, बट अगर गलती से लिखते समय उसने कैपिटल कर दिया कोई वर्ड, ठीक है जरा, वाटर मेलन सही था, बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ये बता देगा सॉरी रॉन्ग चॉइस, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में ही मैच कराया जा रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें, यूज़र अगर कैपिटल में भी लिख दे तो भी ये सही रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे, एक छोटा सा पॉइंट बचा रह गया है, वो क्या करेंगे, डॉट टू लोअर केस, लोअर केस, क्योंकि हम पूरा पूरा कैरेक्टर किस में कैप्चर कर रहे हैं, लोअर केस में, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र जिस फॉर्म में भी दे हम क्या करेंगे उसको लोअर में कन्वर्ट कर देंगे और लोअर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, फिर से नया एक वर्ड करता हूँ, ये शायद वाटर मेलन ही होगा, वाटर मेलन, ठीक है, पहले मैं सही कर लेता हूँ, सक्सेसफुल, यस, कंग्रेचुलेशन यू गेस द वर्ड, और अगर मैं इसको पूरा वाटर मेलन अगर मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल में भी, तब भी ये क्या बताएगा, सक्सेस बताएगा, और अगर ये गलत दे देता हूँ तो ये क्या बताएगा, रॉन्ग बताएगा, लेकिन अगर मैं इसको सही से फिर से दे देता हूँ वाटर मेलन, देखिए मैंने कैपिटल भी कर दिया, अब देखिए क्या होगा, वाटरमेलन में सक्सेसफुल, इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि जो भी वर्ड अगर यूजर लिखे वो चाहे कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे, हमें क्या करना है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद चेक करना है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने एक छोटा सा गेम खेला इसमें, अब इसको तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक नया चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हमने इतना आपको बना दिया, अब आप चाहें तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, जब पेज ये लोड हो तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स से यूजर से नाम उसका मांगे, और नेम मांगने के बाद जेंडर, नेम और जेंडर मांगे, और उसके बाद यहाँ पर वो डिस्प्ले कर दे कि कौन यूज़र इसको प्ले कर रहा है, और जितनी बार आप यहाँ पर जितनी बार ये सही होता जाए उतनी बार यहाँ पर पॉइंट्स मिलते जाएँ, ठीक है, और ये स्टोर हो जाए, नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा पेज ओपन करें तो जितने लोगों ने मैच इसको गेम को खेला है उनके सारे नाम उनके पॉइंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएँ। इसके लिए करना क्या होगा, लोकल स्टोरेज का यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हैं तो उसको करिएगा, और अगर आपको ये देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था जिसको मैं स्क्रिप्ट में आपको दिखा देता हूँ कि ये स्क्रिप्ट का कोड था, ये था, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट कोड था स्क्रिप्ट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, वीडियो को दोबारा करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।